जनपद के पिपराइस थाना क्षेत्र में एक साथ दो युवकों की रेलवे लाइन पर कटी हुई लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हुई है, जबकि इनमें से एक युवक के पिता का आरोप है कि उनका बेटा बीती रात से ही घर से गायब था। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। गौरतलब है कि पिपराइस के गढ़वा रेलवे ढाले के समीप पोल संख्या 376-9 के पास बुधवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर दो युवकों की ट्रेन से कटी लाश देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों युवकों की पहचान पिपराइस के वार्ड नंबर 3 निवासी 21 वर्षीय शानू खां और मुंडेरी गढ़वा गाँव निवासी 22 वर्षीय आबिद अली के रूप में हुई है। मृतक शानू के पिता राजू खां के मुताबिक उनका बेटा मंगलवार की रात 8 बजे से घर से गायब था। उसे उसका दोस्त आबिद अली घर से बुलाकर ले गया था। बुधवार की सुबह घटना की जानकारी हुई। लोगों ने बताया कि दोनों युवक नशा गांजा का सेवन करते थे। घटनास्थल पर सिगरेट के 3 बिखरे पैकेट भी मिले हैं। पिपराइस थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर शव बरामद किया गया है। युवकों की पहचान हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। थाना पिपराइच में दो नवयुवक ट्रेन के आगे आने से चोट खा गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम करके अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। कुछ सर इसमें जानकारी मिली कि सुसाइड किया है, एक्सीडेंट से मरे हैं? अभी इस विषय पे भी जांच की जा रही है, जो उन्होंने सुसाइड किया या दुर्घटना हुई है, किंतु टेस्ट कार्रवाई प्रचलित।